फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल ब्लाउज यानी कि वन टक्स ब्लाउज जो होता है उसकी हम कटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, जैसे ये ब्लाउज पीस है हमारा। हमने इस तरह से इसको एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। पहले हम लंबाई नापेंगे। लंबाई है हमारी 13 इंच, तो हम 1 इंच इसमें मिलाते हैं। 14 इंच हम इसकी लंबाई लेते हैं। यहाँ पे हमें 14 इंच पे एक मार्किंग करनी है। फिर यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, यानी कि 30 इंच हमारी चेस्ट है, तो उसका 1/4 लेंगे हम, 7.5 इंच। इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 9 इंच हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। 2 इंच पे हम गले का मार्किंग करेंगे। 5 इंच पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। पाँच इंच पे हम आर्म होल मार्किंग करते हैं। गले की लेंथ लेंगे हम 5 इंच पे। अब ये पहले हम बैक साइड निकालने वाले हैं। जैसे तो गले की लेंथ हमारी 8 इंच है, यहाँ हम 2 इंच लेंगे, 2 या 2.25 इंच लेंगे तो भी चलता है। इस तरह से ये बैक साइड का गला है हमारा। आर्म होल लेंगे हम 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हम आर्म होल का शेप देते हैं। तो यहाँ अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये बैक साइड निकाली है। ये हमने बैक साइड निकाली है। अब फ्रंट साइड निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये जो फ्रंट साइड है वो हम यहाँ पे रखते हैं। पहले जैसा है पहले वैसा ही निकालेंगे। यहाँ पे हमारी गले की चौड़ाई है 2 से 2.25 इंच लेंगे तो भी चलता है। 2 इंच लिया तो भी चलता है, क्योंकि ये छोटा ब्लाउज पीस है, इसीलिए मेजरमेंट उसकी छोटी है, इसीलिए हम 2 से 2.25 इंच पे लेंगे तो भी चलता है। यहाँ पे गले का मार्किंग करेंगे हम 5.5 इंच पे। यहाँ गले को हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हमें 5 इंच हमने आर्म होल लिया था, यहाँ हम 1 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब ये जो जितना है उतना ही हम पहले रखते हैं। जैसे चेस्ट का 1/4 लिया था हमने, 7.5 इंच हम 7.5 इंच पे मार्किंग किया था। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है। सेंटर पे हमें यहाँ सीधा एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच हम इस साइड से लेंगे और 1 इंच हम दूसरे साइड से लेते हैं। यहाँ हम इस तरह से इसको
टक्स पॉइंट देते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे जब भी हम एक इंच यहाँ टक्स के लिए बढ़ाते हैं तो हम इसको क्रॉस में इसको कट करेंगे, यानी कि आर्मोल के साइड में हम जॉइंट करेंगे और यहाँ पे नीचे के साइड में हम एक इंच बढ़ाते हैं। ये हम फ्रंट साइड की गोलाई कट करेंगे। और ये फ्रंट साइड का गला कट करेंगे। अब यहाँ पे हमें टक्स का मार्किंग करना है। इस तरह से हमने ये टक्स का मार्किंग किया है। तो हमने बैक साइड और फ्रंट साइड निकाली है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब स्लीव्स के लिए हमने ये कपड़ा डबल किया है। इस तरह से हमने ये डबल किया है, फिर इस तरह से हम इसको डबल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें इसका आर्मोल नापना है। आर्मोल हम क्रॉस में नापते हैं, यानी कि 6.5 इंच हमारा आर्मोल है, तो यहाँ हम 7 इंच लेंगे, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। बाजू की लेंथ है 4 इंच, हम 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और 1.5 इंच प्लस करेंगे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। 1 इंच हम सीधा लेते हैं और यहाँ पे हम 1 इंच सीधा लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से बाजू का शेप देते हैं और आधा इंच का हम तिरछा कट देके इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई है। तो ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड। बैक साइड का गला हम बाद में सिलने के वक्त कट करेंगे। और ये हमारी स्लीव्स। तो हमने 1 टक्स 30 चेस्ट का 1/4 1 टक्स ब्लाउज हमने कटिंग किया है। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।